आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 24 जून की शुरुआत की। एक होता है कि आप बिजनेस करते हैं और 10 रुपये ऐड हुए, 10 गुना हुए तो 100 रुपये हुए, एक और बिंदु लगाए तो 1000 रुपये हुए, मतलब कि एक के बाद में 0000000। उसी तरीके से जब ये पुराने ज़माने में जब बिंदु लगाई जाती थी तब उस समय शिव 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 कहते थे। भारत में एक लगाया उसका शिव 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 कहते थे, उसको हम एक पॉइंट की तरीके से या जीरो की तरीके से उसको हम याद करते थे, क्योंकि परमात्मा का रूप भी जीरो मतलब कि पॉइंट है, लाइट है। और इस दुनिया के हिसाब से उनका कोई किसी भी तरीके से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है फिजिकल टर्म्स में, लुक्स में या धन दौलत में, इन सारी चीज़ों में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें भी बिंदु लगाना सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बिंदु समझ करके। तो परमात्मा के अपने ही शब्दों में, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकेंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म पति भवा मल्टी मिलियन टाइम्स रिच। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। अब ये कमाई कौन सी है? स्पिरिचुअल कमाई है, परमात्मा से दी हुई शक्ति, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी और ज्ञान, ये सब कुछ ही कमाई है जो कि हमारे साथ में अगले जन्मों में जाता है संस्कारों के रूप में। और जो अभी की कमाई है वो यहीं की यहीं रह जाती है जो कि फिजिकल है। परमात्मा कहते हैं जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक और बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो। एक सेकंड के लिए मैं बिंदु, आत्मा वाइट प्रकाश लाइट, और परमात्मा भी बिंदु प्रकाश वाइट लाइट। बस इसको बाबा को याद किया, परमात्मा को याद किया, वहां से ऊर्जा आनी शुरू हुई, हमारे अंदर कनेक्शन बैठ जाता है, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। सेकेंड बीता और बिंदी लग गई, एक सेकेंड बीता, बाबा याद किया, शिव बाबा बिंदी याद किया अपने आप को और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पद्मपति बनते हो जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। तो ये जो कमाई है ये स्पिरिचुअल ऊर्जा की, एनर्जी की कमाई है जो कि हम लेते रहते हैं परमात्मा से, और यही ऊर्जा को हम फिर नेक्स्ट चक्र में इस्तेमाल करते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत तक इसको यूज करते हैं। तो जो कमाई हमें लेनी है वो परमात्मा से लेने की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान, गुण, शक्ति, आनंद, इनको धारण करना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा कहते हैं ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। जैसे लौकिक बाप को अपने कमाई करने बच्चों को नाज होता है, परमात्मा कहते हैं ये तो वो कमाई तो यहीं की यहीं रह जाएगी, और हिसाब किताब है अंतिम जन्म में तो धन में कमाई ऊपर नीचे होगी होगी, लेकिन ये कमाई जो है इसको आप भरते जाओ, इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ अपने भावनाओं को इन्वेस्ट करना है परमात्मा में। यही सब कुछ हमें परमात्मा सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी आकर के इस विद्या को ले सकते हैं और इस कमाई को बढ़ा सकते हैं और शांति, सुख, आनंद, खुशी को महसूस कर सकते हैं। ओम शांति के साथ।